हार्ट लेकर ना इसे नाली में फेंक दिया कि मैं तो तुझे दोस्त मानती थी। उसने दरवाजा खोला, एक पॉलिथीन में ना से उसने पूरी गड्डी ना इसे भरी हुई थी मेरे ऊपर फेंक के मारी हैप्पी बर्थडे। उसने सारे कार्ड वो कैची से काट दिए थे, अदर आई वॉज एक्सपेक्टिंग, पर वो एक तरीके से मेरी पहली सैलरी बन गई थी। नहीं, इसकी मेमोरी तो घर वाले पक्का देखने वाले हैं ये तो। माय नेम इज अंकित सिवाच, यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। हेलो एवरीवन, मैं हूं सरबीर सिंह और सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। और आज हमारे साथ हैं अंकित सिवान, जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, उनके करियर के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और क्या कुछ प्रोजेक्ट्स उनके आने वाले हैं उसके बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच सरबीर, थैंक यू। हाय, माय नेम इज अंकित सिवाच, आई एम ऑन फिल्मी बीट और हम लोग करने वाले हैं ऑल माय फर्स्ट। ओके, फर्स्ट सेल फोन नोकिया 2100 क्लास 9th। मेरी दीदी, मेरी कज़िन बहन है, शी इज़ इन द यूएस राइट नाउ, डॉक्टर हैं, तो तब वो डॉक्टरी पढ़ रही थी तो उनका वो फ़ोन एक्सपायर होने वाला था, तो उन्होंने कहा तू रख ले इसको, उसमें फर्स्ट फोन। फर्स्ट कार मेरी किया जिसमें मैं बैठा हूँ, जो मैंने खरीदी। ओके, माय फर्स्ट कार जिसमें मैं मारुति 800 पापा की थी वो, दिस वॉज 28 ईयर्स बैक, पर मेरी पहली गाड़ी बॉम्बे आने के बाद थी मारुति सुजुकी सियाज। योर फर्स्ट जॉब? माय फर्स्ट जॉब वाज ऑफ अ वॉलीबॉल कोच फॉर माय स्कूल, जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ था। आई वाज अ वॉलीबॉल कैप्टन, तो जूनियर्स बहुत उदास थे जो मेरी टीम थी कि आप जा रहे हो भैया, तो उनकी टीम तैयार करने के लिए आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम स्कूल मैंने 3 महीना उनको कोचिंग दी थी। तो मुझे कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था उससे, बट दे वर वेरी स्वीट उन लोगों ने, बच्चे 11th-12th क्लास के, दिस इज़ अबाउट 2007-08-09 की बात है, तो उन्होंने 200-200 रुपये इकट्ठे किए पूरी टीम ने और अराउंड 4000 रुपीज़ मुझे दिए कि भैया ये हमारी तरफ से है। फेल्ट सो स्पेशल, सो स्पेशल, नॉट दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग, पर वो एक तरीके से मेरी पहली सैलरी बन गई थी। पहली सैलरी था जी, 4000 रुपये थी जी। फर्स्ट ऑन स्क्रीन अपीयरेंस, दिस वॉज 2010, एक कोई यूनिवर्सिटी का एड था दिल्ली में, मैंने उसका ऑडिशन किया था और एक सेकंड का फ्रेम था खाली, उसमें मैं कोई लैब में कुछ ऐसे टेस्ट कर रहा हूँ, बस एक सेकंड का फ्रेम आता है, तो वो टीवी पर चला वो ऐड और मैं घर पे था तब, तो मुझे घर पे ना चैनल चेंज करना होता था, जैसे ही ऐड शुरू हो चेंज कर दो, घर पे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं वहाँ पर ये सब कर रहा हूँ, सो आई यूज़ टू हाइड अ लॉट। तो एक ऐड फिर आया था उसके बाद, तो वो भी सागर छोटे भाई को बोलता था कि घर पे चले हटा दे उसको एकदम से, कि घर वाले देख ना लें कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। सो इट वॉज 2010। फर्स्ट लव प्रपोजल मुझे मिला जो मैंने दिया, दोनों ऑलमोस्ट एक ही साल में हुए थे। आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड, तो एक दूसरे स्कूल की लड़की से प्रपोजल आया था और अपने स्कूल की लड़की को प्रपोज किया था, जिससे मेरी अभी शादी हो चुकी है। फर्स्ट किस? ओके, 12th क्लास में। हाँ, नहीं, इसकी मेमोरी तो घर वाले पक्का देखने वाले हैं ये तो मेमोरी तो शेयर नहीं कर पाऊंगा। फर्स्ट हार्ट ब्रेक बहुत होते थे, तो व्हेन आई प्रपोज टू हर नूपुर माय वाइफ राइट नाउ, तो वी वर इन 11th, तो मैं ऐसे एक वैलेंटाइंस डे पर एक दिल लेकर गया उसको, दबाओ तो आई लव यू बोलता था, बींग द चीजीएस्ट एज आई कुड बी, तो उसने वो हार्ट लेकर ना ऐसे नाली में फेंक दिया कि मैं तो तुझे दोस्त मानती थी, तो वो मेरा पहला हार्ट ब्रेक था। ग्रेजुअली चीज़ें ठीक हुई, 2-3 महीने उसने बात भी नहीं की, मैं सॉरी बहुत पीछे पड़ना पड़ा, बट देन थिंग्स गॉट फाइन। उसके बाद तो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में होते ही रहते हैं, कभी अलग हो गए, कभी साथ में आ गए, सो आई फेस्ड अ लॉट। लव स्टोरी आपकी वो रहती है। ओके, फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? याद करने दो, मेल्स में तो शाहरुख खान, जॉन इब्राहिम, और फीमेल्स में अमीषा पटेल कहो ना प्यारे के टाइम पर, या और करीना कपूर। फर्स्ट टाइम यू फेल्ट चीटेड? आई फेल्ट चीटेड, ये भी बचपन की बात है। मैंने ट्रम्प कार्ड इकट्ठे करता था कि 2 सेंटर फ्रेश खरीदो, एक ट्रम्प कार्ड साथ में मिलता है खेलने के लिए क्रिकेटर्स वाला, तो मेरे पास 580 के अराउंड ट्रम्प कार्ड थे, इतनी बड़ी कड्डी थी मेरे पास, तो मेरी मेरे कज़न से लड़ाई हो गई, ही इज़ इन द आर्मी नाउ, अभी तो मेजर है वो, तो मेरा बर्थडे था नेक्स्ट डे, लड़ाई के बाद मैं उसके घर पे खुशी खुशी गया भागता भागता कि आज भाई से मिलूंगा, केक काटेंगे साथ में। उसने दरवाज़ा खोला, एक
पॉलीथीन में ना से उसने पूरी गड्डी ना से भरी हुई थी मेरे मुंह फेंक के मारी हैप्पी बर्थडे, उसने सारे कार्ड वो कैची से काट दिए थे बिकॉज ऑफ दैट फाइट। तो दैट्स व्हेन आई फेल्ट चीटेड, क्योंकि मैंने उसको खेलने के लिए दिए हुए थे और उसके बाद मैंने उसका बैट तोड़ा, दो तीन चीज़ें और तोड़ी, वो बात अलग है, बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट हर्ट एंड चीटेड कि यार किसी को इतना ट्रस्ट करके मैंने कलेक्शन किया था इतने सालों का, उसने फाड़ के फेंक दिया था ऐसे। हाँ फर्स्ट क्लास बंक 8th क्लास में मैंने बंक किया था और स्कूल की दीवार से मैंने बैग अंदर फेंका था कि असेंबली के बाद दोस्त उठा के उसको मेरी बेंच पे रख देंगे और सर को बोलेंगे सर वो तो आया हुआ है वॉशरूम गया हुआ है। तो अटेंडेंस लग गई, प्रेजेंट लग गया, बैग मेरा क्लास में था, मैं स्कूल के बाहर था। ओके हमें तो काफ़ी मज़ा आया आपके ये यू नो ऑल फर्स्ट जान के, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा यार, मैं वापस पहुंच गया हूँ, मुझे अभी मेरठ की खुशबू आनी शुरू हो गई है, जो लाइफ वहाँ पे जी है। स्कूल मेमोरीज आर ऑलवेज द बेस्ट हम सभी के लिए, अगर हम बैठते हैं दोस्तों के साथ याद करने तो ऐसा लगता है कि इससे पहले जो लाइफ थी वो स्कूल में ही थी, उसके बाद तो बस भागदौड़ी चल रही है। तो वो सब आपने याद कराया, थैंक यू सो मच और थैंक्स टू यू।